बात कर रहा था भाई साहब। अच्छा बताइए विवेक तिवारी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई साहब बस मैंने बोला सेवा भाव से फोन लगा लिया कि भाई साहब जो आपके संगठन में चल रहा है उसमें मेरे को भी कटनी का ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए क्या करूं भाई साहब मैं? आप बना लीजिए, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लीजिए, उसका नाम अपराध मुक्त भारत कटनी ग्रुप बना लीजिए, और उस ग्रुप से फायदा ज्यादा नहीं होगा, मतलब हाँ वो भी कर लीजिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस मैसेज को देखकर आपने मुझे फोन किया है, उसी हाँ मैसेज में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, अच्छा। तो उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा ऐप को डाउनलोड करें। हाँ ठीक है ना? उसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में जो है दो चार लाइन लिखिए, और जैसे हाँ आप कटनी के रहने वाले हैं तो अपना जहां आप रह रहे हैं उसका जो पोस्टल पिन कोड है उसे आप डालकर जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। अच्छा भाई साहब वो ऐप जो है आपको तत्काल जो है आइडेंटिटी कार्ड भी जारी कर देता है, तो आपको मैथिलीशरण गुप्त से आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त नहीं करना है, आपको हाँ अपने ऐप में ही आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। अच्छा जब आप ऐप खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जिसे आप हाँ डाउनलोड करके प्रिंट करा कर लेमिनेट भी करा सकते हैं। अच्छा, उसमें ठीक ही है भाई आपको साहब। नीचे दिया है शेयर ऑन व्हाट्सएप, हाँ तो लिखा है ना, सभी ले हाँ सभी लोगों से उसे शेयर कर लीजिए, ठीक है और शेयर करने के बाद 10-10 लोगों के नाम बनाना है जो आपके परिवार से होना चाहिए, जो आपके रिश्तेदार होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए, जिन हाँ संगठनों से आप जुड़े हैं हाँ इनमें से 10 लोगों के नाम आपको लिखना है जिनमें सबसे अधिक ऊर्जा है, ठीक और है उनको फोन लगा के उनको जो है अपने व्हाट्सएप से जो आपने ऑलरेडी मैसेज भेजा है उनको कहना है कि उस मैसेज को क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें। तो ठीक है भाई साहब। जो आपके लिंक से डाउनलोड करेगा उसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे। अच्छा 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिला स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे, 50 लोगों हाँ को जोड़ने पर आप राज्य स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे, और हाँ 100 लोगों को जोड़ने पर आप जो है राष्ट्रीय स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे। बढ़िया भाई साहब। जो व्यक्ति प्रतिदिन सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसको कमेंडेशन सर्टिफिकेट क्राइम फ्री भारत मिशन के रूप से के ओर से प्रतिदिन जारी हाँ किया। ना उस मैं इंस्टाग्राम में भी आपसे जुड़ा हूँ भाई साहब, और इन यूट्यूब में भी इंस्टा जुड़ा हूँ। उससे काम नहीं चलेगा, अच्छा जो ये आप वाला सबसे ऐप पहले वाला, आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप को डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं। हाँ ना एक एक तरीका तो वही है कि जो आपको मैसेज मिला है उसमें लिंक दी गई है उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। हाँ दूसरा आसान तरीका है कि आप YouTube चैनल पर जाइए, क्राइम फ्री भारत लिखिए, और आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है चैनल खुल जाएगी जो कि हाँ मैथिली शरण गुप्त की है। उसमें 5,900 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि आपको कैसे जो है 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, भारत सरकार के ऊपर खर्च नहीं आएगा और भारत सरकार की आमदनी 20 गुना बढ़ जाएगी, 5 साल में आपको टैक्स मुक्त किया जा सकेगा, कर्ज मुक्त किया जा सकेगा, और 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाएंगे। हाँ ना भाई साहब फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड प्राइवेसी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, और इन 5 जो है ना फंडामेंटल राइट को मिला के आपको ऑटोमेटिकली एक और फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, दैट इज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पर्टी। प्रॉस्पर्टी मतलब आप समृद्ध का होने का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। राइट? अभी आपने कल जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है हाँ यदि हम उसका संधि विच्छेद करें तो उसका होता है स्वतंत्रता दिवस। जब हम अपना तंत्र स्थापित कर दें तभी हम उसे कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता स्वतंत्र दिवस है। लिहाजा जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर दिवस, इट इज नॉट स्वतंत्रता दिवस है ही नहीं वो, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वही नियम कानून
जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, वही सब आपके ऊपर थोपे हुए। जो अभी 3 नए कानून बनाए गए हैं, इसमें जो अंग्रेजों के कानून थे उनकी आत्मा नहीं बदली गई है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और अभी भी आप जो है अंग्रेजों के तंत्र से ही चला रहे हैं, लिहाजा आप स्वतंत्र नहीं हैं। हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का हक नहीं है जब तक हम अपना तंत्र स्थापित ना कर लें। हमारे राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां, जातिगत नेता, संप्रदायगत नेता, धर्मगत नेता और राजनीतिगत नेता हाँ, आपको अच्छा भारत देने की क्षमता नहीं रखते हैं, नहीं लगता है, राइट? बिल्कुल बात करते हैं भाई वो साहब। आपके वोट से चुने जाते हैं लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए बेहद ही मजबूर प्राणी हैं। बिल्कुल बात करते हैं भाई वो करोड़ों रुपए देके उन्हें टिकट मिलता है, वो जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और ये पार्टियां जाति साहब। धर्मगत जो है ना आधारों पर गलत व्यक्तियों को, अपराधियों को टिकट देती हैं, और पैसा बांट कर, दारू बांट के, साड़ी बांट कर आज हाँ, की डेट में चुनाव भी जीत निकाला जाता है। अपराध करते हुए ये जीतते हैं। भाई अब आपको अच्छा भारत कौन देगा? साहब, हमारे साथ अमर सिंह दाहिया जी जुड़ रहे हैं, जो दूरदर्शन कटनी में संचालक हैं। ओके सर, भाई साहब परिचय दीजिए भाई साहब। नमस्कार अमर सिंह दाहिया जी, जी सर, अमर सिंह दाहिया नाम है मेरा, मुझे मैथिली दूरदर्शन शरण का। गुप्त कहते हैं, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, जी सर, 37 साल जो है आईपीएस पुलिस सेवा में रहा हूं, 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूं, वो भी मध्य प्रदेश में। बहुत बढ़िया सर। मैं जो है डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और डीजी पुलिस रिफॉर्म के पद पर रहा हूं, जी, और आपके कटनी वाला जो एरिया है वहां का मैं बहुत पहले अच्छा, एसपी रेलवे हुआ करता। बहुत बढ़िया सर। और मेरे फादर भी सर रेलवे में थे, जी मेल ड्राइवर से रिटायर हुए थे सर। जी और मैं आकाशवाणी भोपाल से रिटायर हुआ, अभी तो हो गया 1 साल हो गया करीब, जी बट विवेक जी से अच्छी बातचीत होती रहती है, जी मोहल्ले में रहते हैं तो बढ़िया, इनसे अपन काफी प्रभावित है। हाँ जी सर, आपकी बात सुनी तो बड़ी अच्छा लगा। मैंने कहा यार भाई, यार इनने सीधा फोन ही पकड़ा दिया है। नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन जो है यूट्यूब चैनल पे जाके सुने, जी सर, और हर वीडियो के नीचे, उसके टाइटल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जी, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है, अच्छा, उसको क्लिक करके डाउनलोड करिए। नहीं मैं आगे यदि कर दूँ, यदि आप ऐसा करते हैं और अपने लिंक से लोगों को, जो आपसे जुड़े लोग हैं, जो चाहे आपके परिवार के हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, उनको जो है 10-10 लोगों को जोड़ने का यदि आप शपथ और संकल्प लेते हैं तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। 100 करोड़। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रयास करते रहिए, कोई नहीं भी जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं, 90 करोड़ बहुत लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, राइट? बढ़िया, लेकिन सही सही उसे शपथ लेना है, प्रयास भी करना है, ठीक है? जी, बहुत सही सर, 90 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है केवल। तो 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ पहले छोड़ दिए, तो सही सही 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन उसे संकल्प भी लेना है, शपथ भी करना है, प्रयास भी करना है। नहीं जुड़े तो हतोत्साहित नहीं होना है। फिर केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90 हजार को 40 को जोड़ना है, 9 हजार को 50 को जोड़ना है, 900 को जो है 60 को जोड़ना है, 90 को 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को जो है ना 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त ने 16 से 90 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल उठता है कि आप जो है जाति के नेता, धर्म के नेता, संप्रदायों के नेता मैं भी वही सुन या रहा था, आपकी बात भी राजनेता, सुन रहा था, ये आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं। तो एक सरल उपाय 9 दिन का दे दिया गया है, तो इस सरल उपाय के तहत आपको अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा भारत चाहिए।
चाहिए। तो हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, कल तक पब्लिश हो जाएगी। आप बताइए अपने साथियों को, देशवासियों को, कटनी वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई साहब बोलिए बोलिए। ये जो आज क्राइम हो रहा है इसको सजा मिलना चाहिए और सबके लिए सब बराबर होना चाहिए। जो अभी क्राइम हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, पुलिस जो है ऑफेंस कायम नहीं करती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, ठीक ढंग से विवेचना नहीं करती है। हाँ, वो आज के घटिया कानून के तहत भी अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रही है और वो इन राजनेताओं की चरण सेवक बन चुकी है। अब आपको अच्छा भारत कौन देगा और बांग्लादेशी हालातों से आपको कौन बचाएगा? सही बात है भाई साहब। चलिए इस पर विचार करिए, हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय गुरुदेव।